एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल एंड आई एम शिल्पी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है आजियो कुर्ता हॉल। आप सबकी काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि रीजनेबल प्राइस में दी कुर्ता हॉल शेयर कीजिए, एंड पहले मैंने आपके साथ एक आजियो का और कुर्ता हॉल किया था, उसको आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू सो मच। आज का हॉल भी होने वाला है आजियो कुर्ता हॉल जो अंडर 500 रुपीज है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 कुर्ताज, एंड गाइस सीरियसली मैं इन सभी कुर्तों को आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। कमाल के कुर्ते हैं, आप इनको फेस्टिव सीजन में स्टाइल कर सकते हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि जैसे सस्ते हैं तो आप उनको स्टाइल नहीं कर सकते, उनका प्रिंट उनका फैब्रिक इतना ज्यादा अच्छा है कि अगर आप उनको अच्छे से स्टाइल करेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश करने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा रीजनेबल भी है। वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में। और गाइस प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है रेड कलर का जो बटन है उसको प्रेस कीजिए, और जो बराबर में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। तो आज जो कमेंट ऑफ द डे के विनर है वो है प्राची शाह। उनका कमेंट है, वाओ दी यू आर लुकिंग टू गुड, आपके एक्सप्लेन करने का तरीका एक एक चीज बताना बहुत अच्छे से करते हो आप, और प्लीज आप हमें बताओ कि आपकी रिकॉर्डिंग कौन करता है, जो शूट होते हैं बहुत अच्छे से करता है। तो थैंक यू सो मच प्राची। जो मेरे शूट करते हैं वो अभी सभी जो भी मेरी शूटिंग होती है वो सब मेरे हस्बैंड चिंतन करते हैं। आपको अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और गाइस मुझको अच्छा लगता है कि आपको अगर मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है आप भी कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो में अपने आपको शट आउट करने की। वीडियो में बढ़ने से पहले आप मुझे मोर अपडेट के लिए इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं अपनी जो भी ये वीडियो डालती रहती हूँ उसकी पोस्ट डालती रहती हूँ, आपको वहां पर बहुत सारी पिक्स देखने को मिल सकती हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है style.n.dine। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर करूंगी ये 5 कुर्तास जो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो फर्स्ट कुर्ता जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये प्योर कॉटन का कुर्ता। ये फ्रॉक स्टाइल में है कुछ, और इसका जो स्टाइल है वो कुछ ऐसा है जैसे अंगरखा स्टाइल के कुर्ताज होते हैं वैसे वाला इसका स्टाइल है। इसका पहले मैं आपको ब्रांड और प्राइस बता देती हूँ। इसका जो ब्रांड है वो है आजियो, और इसमें जो मैंने अपना साइज मंगाया है वो है एक्स्ट्रा स्मॉल। लिंक सभी प्रोडक्ट का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्राइस मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है तो वो भी मैं आपको साइड में मेंशन कर दूंगी। इसमें मैंने अपना साइज मंगाया है एक्स्ट्रा स्मॉल। ओरिजिनल प्राइस का है 1300 रुपीज, लेकिन मेरे को आई थिंक 500 की रेंज में ही पड़ा है, 499 या 505 रुपीज का है, अंडर 500 ही है ये कुर्ता। और गाइज ये सब मैंने सेल में खरीदे थे तो प्राइस अभी अप एंड डाउन हो सकते हैं थोड़े बहुत, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। सस्ते होंगे तो आप खरीद ही लेना, अगर थोड़े बहुत अभी महंगे होंगे तो विशलिस्ट करके छोड़ देना, जब भी सेल आए तो आप खरीद सकते हैं, वैसे भी आजियो पे सेल चलती रहती है। अब मैं इसकी डिटेलिंग बता देती हूँ आपको। कपड़ा जो है वो बिल्कुल प्योर कॉटन में है, मतलब पहनने के बाद ही मुझे इतना ज्यादा से ठंडा ठंडा सा लग रहा था, तो बहुत ही अच्छा है। स्लीव्स इसकी थर्ड फोल्ड स्लीव्स है, पूरा प्रिंटेड है, बेस व्हाइट कलर का है, इस पे सिर्फ पिंक कलर का पूरे पे प्रिंट हो रखा है, कुछ कुछ फ्लावर बने हुए हैं छोटे छोटे से, एंड इसकी जो लेंथ है वो नी लेंथ से कम है, नी लेंथ से थोड़ी ज्यादा है, तो आप इसको एज अ ड्रेस भी पहन सकते हैं, आप इसको लेगिंग के साथ स्टाइल कर सकते हैं, आप इसको प्लाजो के साथ स्टाइल कर सकते हैं, मतलब ये वाली जो कुर्ती है बहुत ही वर्सेटाइल होगी, तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड समर्स में तो खास करके। साथ ही साथ मैंने ट्राई ऑन भी किया है तो आप देख सकते हैं कि ये पहनने के बाद इसका स्टाइल कैसा है। आगे से ये बिल्कुल ऐसे जैसे चाइनीज ने को, तो यहाँ पे पूरा इसका ऐसे यहाँ से साइड में होके यहाँ टेसल लगे हुए हैं, तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। बैक से भी सेम इसमें ऐसी प्रिंट है, और यहाँ पर वेस्ट पे ऐसे सब पे हमें प्लेट्स मिल जाती है छोटी छोटी सी। अगर आप स्लिम गर्ल है तो मैं आपको उसको हाईली रिकमेंड करूंगी, ऐसी वाली जो कुर्ती होती है उसमें थोड़े से हम फूले फूले लगते हैं, तो आप ऐसी वाली कुर्ती को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। जो ये फ्रॉक स्टाइल की होती है उसमें हम थोड़े से चबी चबी लगते हैं, तो ये कुर्ती काफी ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट कुर्ती जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो भी एक लेगर ड्रेस ही है। अभी इसको आपको लगेगा कि ये देखो कितनी ज्यादा बड़ी है, ऐसे थोड़ी बहुत, वैसे इसका स्टाइल जो है वो थोड़ा सा लूज फिटिंग है, ये ऐसे भी वैसे आप पहन सकते हो, लेकिन जो इसका पूरा लुक आएगा वो बेल्ट के साथ ही आएगा, जब आप इसको वेस्ट पे इसको बेल्ट के साथ स्टाइल करेंगे तो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश एंड बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने वाली है यहाँ पे। और ये ऐसे पूरी प्रिंटेड है, ये भी ये विदाउट स्लीव्स है, लेकिन अंदर इसमें हाफ स्लीव्स दी हुई है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है विदाउट स्लीव्स में तो आप स्लीव्स लगवा सकते हैं। यहाँ पर इसका ऐसे राउंड नेक है, नेक बिल्कुल भी डीप नहीं है,
यहाँ पे ऐसे बटन्स मिल जाते हैं छोटे छोटे से, और पूरी ये भी ऐसे ड्रेस है, वो वाली जैसे नीचे हल्की सी नीचे थी, ये वाली मेरे को पूरी एंकल से बस थोड़ी सी ऊंची आई। हाइट जो है वो 5'2" है, तो मुझे मतलब एंकल से थोड़ी सी बस ऊपर तक आई है, तो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं। बहुत ही प्यारी है, इसका फैब्रिक भी प्योर कॉटन का है, और इसमें साइड में हमें पॉकेट भी मिल जाती है दोनों साइड यहाँ पे, और इसका ब्रांड भी आजियो है। प्राइस इसका भी 1300 रुपीज था, और इसको भी मैंने आई थिंक 500 या 490 के आसपास ही मंगाई है। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो मुझे पूरी जो भी मैंने कुर्ती मंगाई उसमें सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, अच्छी तो मुझे सारी लगी है, लेकिन इसका कलर मुझे ऐसा लगा है कि बिल्कुल जैसे ये फेस्टिवल सीजन आने वाला है उसके लिए बनी है। तो थोड़े से अभी फेस्टिवल सीजन है तो थोड़े से पॉपअप कलर लीजिए, वाइब्रेंट कलर लीजिए, उसमें बहुत अच्छा लगता है, फोटोज बहुत अच्छी आती है वाइब्रेंट शेड में, तो आप ऐसे कुर्तीज को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम स्ट्रेट कुर्ती है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सोबर है, लेकिन पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। फैब्रिक इसका भी प्योर कॉटन में है, इसका कलर जो है ना लेमन वाला जो कलर होता है वैसे वाला कलर है, एंड पूरे पे से प्रिंट हो रखा है, लोटस वाला जो प्रिंट होता है वैसे प्रिंट हो रखा है, पर्पल कलर से, पिंक कलर से, ये पूरी स्ट्रेट है। ये भी मेरे को नीचे हल्की सी नीची आई है, और बैक से भी ऐसे प्रिंट मिल जाता है। इसका जो ब्रांड है वो है अवासिया, प्राइस है इसका 500 रुपीज, लेकिन मैंने इसको आई थिंक 260 रुपीज के आसपास खरीदा है, एंड मैं इसको सीरियसली आपको, वैसे तो मैं सारी इन कुर्तियों को आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, आप इनमें जरूर इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज ये इतनी ज्यादा मुझे स्टाइलिश लगी है ना, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, और फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल राउंड है, यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं हमें, और आप इसको प्लाजो, लेगी, जीन्स किसी के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारी लगेगी। नेक्स्ट कुर्ती जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये टील ब्लू कलर की कुर्ती। ऐसा लगता है कि टील ब्लू कलर मेरे हॉल में होना जरूरी है, कहीं ना कहीं से मुझे मिल ही जाता है ये वाला कलर, काफी ज्यादा प्यारा है। इसका जो फैब्रिक है वो रियॉन में है, लेकिन रियॉन अच्छा वाला रियॉन है, बिल्कुल पतला नहीं है, और ये जो कुर्ती है कोई भी शेयर नहीं है, मतलब बिल्कुल भी ऐसे ट्रांसपेरेंट नहीं है कि बिल्कुल कुछ आर पार आपकी स्किन दिखेगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कपड़ा अच्छा खासा है, बिल्कुल जो अच्छा वाला कॉटन होता है उनमें है। ब्रांड इसका भी अवासिया है, इसमें साइज मैंने लिया है स्मॉल, उसका एक्स्ट्रा स्मॉल था इसलिए मुझे फिट आया है, ये स्मॉल है इसलिए मुझे लूज आया है, तो मुझे इसे ऑल्टर कराना पड़ेगा। कलर है एंड इसमें गोल्डन कलर की छोटी छोटी बूटी बनी हुई है पूरी पे, एकदम स्ट्रेट कुर्ता है, एंड यहाँ पे पिंक कलर की नेक पे ऐसे स्ट्रिप मिल जाती है, एंड यहाँ पे बटन्स है, और इसकी जो स्लीव्स है वो थर्ड फोर स्लीव्स, और यहाँ पे भी ऐसे बॉर्डर लगा हुआ है जो नेक पे लगा हुआ है, काफी प्यारी है। ऐसी कुर्तीज आप डेली के लिए बहुत अच्छी होती है, आप इनको ऑफिस में भी स्टाइल कर सकते हैं, जीन्स के साथ, लेगी के साथ, प्लाजो के साथ, स्कर्ट के साथ भी इनको आप पहन सकते हैं, आप कॉलेज में पहन सकते हैं, और इतनी ज्यादा सस्ती है। ये वाली कुर्ती भी आई थिंक 260 रुपीज की है, तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, एंड दोनों तरफ इसमें प्रिंट मिल जाता है, ऐसे नहीं कि आगे प्रिंट है, आगे और पीछे दोनों साइड इसमें प्रिंट है कुर्ती में, तो ये वाली कुर्ती भी काफी ज्यादा अच्छी है। लास्ट कुर्ता जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये फॉरेस्ट ग्रीन कलर का कुर्ता, प्रिंटेड कुर्ता है, ब्रांड इसका भी अवासिया है, साइज इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल है, प्राइस इसका भी 500 रुपीज था, लेकिन मैंने 250 या 260 की रेंज में इसको रिसीव किया है। बहुत ही प्यारा कुर्ता है, ये भी प्रिंटेड कुर्ता है, प्योर कॉटन में है, तो गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। इसका भी साइज मेरे को थोड़ा नी लेंथ तक ही आया है, और इसकी स्लीव्स जो है ये ऐसे पूरी थर्ड फोर्थ स्लीव्स है, नेक इसका राउंड में है, एंड यहाँ पर ऐसे पूरे बटन्स है इसमें, वैसे नेक से छोटा नहीं है, बटन्स की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आराम से आ जाएगा, लेकिन बस शो के लिए है, बाकी अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये बटन ऐसे नहीं है, खाली फैंसी है, तो आप इनको खोल के यूज भी कर सकते हैं। बैक से बहुत ही छोटू मोटू सा नेक है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, मुझे प्रिंट बहुत ही प्यारा लगा, एकदम सेटल एंड सोबर सा प्रिंट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि निकलने वाला है प्रिंट, काफी अच्छा प्रिंट है, और इसका भी ऐसे आप इसको जीन्स के साथ, आप इसको ट्राउजर के साथ, आप इसको प्लाजो किसी के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये वाले जो कुर्ते इतने ज्यादा रीजनेबल है, तो आप इनमें जरूर इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज 250-260 रुपीज का आपको ये इजिली मिल जाएगा। अगर आप सेल में खरीदते हैं तो आप इनको विशलिस्ट कर लीजिए, अगर अभी महंगे हो बाद में इनको खरीद लीजिए। तो गाइज ये सब मेरे कुर्ताज थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, मैंने मंगाए एक दो और थे, लेकिन अभी मुझे एक्चुअली जाना है तो मेरे को अभी रिसीव नहीं हो पाए, इसलिए उनको मैंने कैंसिल कर दिया। उनका लिंक भी नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, जो बाकी मैंने दो भी मंगाए थे, आप उनको भी चेकआउट कर सकते।
सकते हैं, काफी प्यारे कुर्ताज है। वो भी कैसे लगे कुर्ता मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से सबसे अच्छा कुर्ता कौन सा लगा, और आपको अभी कुछ भी पूछना है साइज का या कुछ भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गाइज लास्ट वाली भी मैंने जो वीडियो डाली थी राखी लोबुक, उसमें मुझसे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी व्हाइट कुर्ती को लेके। तो गाइज जो व्हाइट कुर्ती है वो मैंने टेलर से स्टिच कराई है, वो मैंने कहीं रेडीमेड नहीं ली है, और जो उसका फैब्रिक है वो क्रेप वाला फैब्रिक है एंड जॉर्जेट में नहीं है, क्रेप फैब्रिक है। और आप चाहते हैं कि जो भी मैंने कुर्ती स्टिच कराई है टेलर से फैब्रिक लेके या फिर जो भी मेरी कुर्तीज है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, मैं अपना कलेक्शन आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। वो पिंक वाला जरी वाला सूट भी है, वो भी मैंने टेलर से स्टिच कराया है फैब्रिक लेके। और इनमें से जो भी कुर्ती आपको अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी। वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है तो आप इनमें से जरूर कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।